तो दोस्तों अभी मैं फिलहाल नीचे आया था ना, मुझे कुछ ले जाना था सामान, तो वो सामान पापा लेके चले गए हैं पहले ही। तो मैं देखता हूँ आखिर वो सामान क्या था और आपको भी दिखाता हूँ, क्योंकि ना वो हमारे उत्तराखंड का ना एक मतलब। तो दोस्तों मैं आपसे जिस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा था ना, तो वो इंस्ट्रूमेंट है ये वाला। तो ये एक लकड़ी का बॉक्स है और इसको ना बीच में खाली कर रखा है, मतलब ये कोई हथियार से कोई औजार से ना इसमें ये होल बना रखा है ये वाला। ये है ओखल एक टाइप। हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और इन पहाड़ों में व्यस्त हूँ। आपके भाई ने आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है और मौसम जो है ना आज बारिश वाला है, मतलब दो दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, क्योंकि हाई अलर्ट जारी किया था हमारे उत्तराखंड में। तो अभी भी बारिश हो रही है, मतलब हल्की फुल्की बूंदें गिर रही हैं और पूरा कोहरा ही कोहरा है चारों। तो देख लो इन सुंदर सी वादियों में आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी आनंद आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आज भी फिलहाल देखते हैं क्या क्या। फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लोग भ्रमण पे निकल गए हैं इस बारिश के मौसम में, क्योंकि हल्की हल्की बूंदों के साथ मज़े लेते हुए, गुनगुनाते हुए, और क्या ही बताएं आपको। तुम कुछ बता दो यार हरदाज, बहुत दिन हो गए, तुम बहुत शांत बैठे हो यार, क्या बात हो गई है कि मैंने छोटू बोल दिया नाराज हूँ? कैसी बात कर रहा तू? अरे खुश तो है। दोस्तों अगर आप अपना जीवन यापन इन पहाड़ों में करते हो ना, तो यहाँ जिंदगी जीने में तो मजे हैं, पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। और अगर प्रकृति का आनंद लेना चाहते हो तो आपको गाँव में बसना होगा। अगर आप इस हरी हरी घास को देखना चाहते हो तो आपको गाँव में बसना पड़ेगा। अगर आप नौले का ठंडा पानी पीना चाहते हो तो आपको गाँव में बसना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं धार की ढाई पे, मतलब बहुत ही बढ़िया वाली सुंदर सी जगह पे। तो यहां से जो चारों ओर का व्यू आता है ना, वो अल्टीमेट आता है, बड़ा प्यारा आता है। तो कुछ लोग ऊपर पहुंच गए, हमारे दादा लोग, और वहां भैंसें चल रही हैं। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ पहाड़ में देखने को मिलेंगी, अपने अतुल्य उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, देवभूमि में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ बालदा की दुकान दौड़ते हुए। वैसे होता है ना, हम बालदा बोलते हैं, वैसे रिश्ते में हमारे ताऊजी लगते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो आपके दा होते हैं, मतलब चाहे छोटा हो या बड़ा हो ना, सब लोग उनको दा कह के बुलाते हैं। तो हमारे भी बालदा है वो, तो उनकी दुकान तो में। दोस्तों फाइनली दुकान में पहुंच चुका हूं, तो अब पंडित जी की दुकान में चलते हैं, उन्होंने क्या क्या बना रखा आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि पंडित जी ने आज ना कुछ स्पेशल चीज़ें बना रखी हैं। और अक्सर पंडित जी के समोसे बना करते थे, तो हमारा नन्हा मुन्ना सा बालक यहाँ पर समोसे के इंतजार में खड़ा है, कब खाऊंगा है। और इधर हमारे पंडित जी नमस्कार, पंडित जी नमस्कार, नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। और ठीक ठाक था पंडित जी? ठीक ठाक, बड़ी हरो। और तुम जो कर रहे हैं यार, तीन चार दिन का हाई अलर्ट जारी कर दिया, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, सब बच्चे जो है ना घरों में बैठे हुए। और अभी तो असोज का महीना है, अभी भी उनको ना घर वालों ने रैंस के दाने जो है ना अलग करने के लिए दे रखे, मतलब बीनने के लिए दे रखे, और मडुआ झूर अलग अलग करने के लिए रखा है, तो बच्चे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पंडित जी और पंडित जी के ग्राहक इधर, दुकान बिल्कुल खचाखच भरी हुई है, समोसे तैयार कर दिए हैं, एक समोसे तैयार कर दिए हैं, और खिमली केसर भी साथ में है हमारे पास, साथ में खिमली केसर भी बना दिया है, खिमली केसर बना रखे, खिमली केसर भी तैयार है, वाह ये बस लाल लाल चटनी। तो दोस्तों आजकल पंडित जी ने दुकान अपनी बिल्कुल बढ़िया तरीके से डेकोरेट कर दी है, क्या ही बताए आपको। कुरकुरे की पैकेट टंगी हुई है, ये शैम्पू, और बीड़ी के फुंकारे लग रहे हैं। कब थोड़ा आई नहीं उनको ले दिए गीत है बबू ले ए नैनीताल दियो एक चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। देख बबू इतने कलाकार थे हमारे, और ये हमारा बबू नए बना दीजिए, हां वो तो ये खतरनाक मुनाव किराए क्या पीयूष छीनता है और हाथल गानिया राम पीयूष का बना दीजिए। तो दोस्तों इजा सिखा रही इन लोगों को, गांधी जी के चार बंदर बैठे हुए इधर, एक बंदर ही इधर है, मैं गांधी जी हूं। तो गांधी जी नहीं, गांधी जी मम्मी है, गांधी जी मम्मी जू, और ये चार बंदरिया, और तीन बंदर होते हैं पर गांधी जी के, तो ये चार बंदर है आज के ना, तो ये सीख लो। आप हो गए मीना का जरा, आपको लाली कती बोल माने, आपको लाली कती बोल माने, आपको लाली ला कती बोल माने, ये बोल ने तो बात है ना, बना भी तो पता रहो, वो बचपना था इजा, ये जो वो बचपन थी बात के लिए झगड़ा हो जाता,
बिना कहने रे मैं कैसे आज अब छोड़ है वही काम में धरने रो कि बर्बाद कर दे कब है बस कि ले बर्बादी है या बैठ कब है तब कर धरो मैं करूं लिया तेरे से नीचे होते हाथ में ऐसा मैं करूं तेरे हाथ में बारी टाइम है टाइम से तो तब बारी हाल ही में नहीं जाते मुझे मुझे सिखाए जाए वीडियो देखा मेरा भी असला फोन क्या पता ईजा की बहू वीडियो देख रही है होता देखी रही होगी दादा दादा देखी रही होगी अरे दादा ऐसा ना हो जाए जो ये डिब्बा है ना इसके अंदर तुम ना हो जाओ बस क्या और इसमें छूटे ना जाओ मैंने कहा ये डिब्बे के अंदर बस तुम ना हो जाओ मेरे को नहीं आ रहा पसंद हटाओ यार तुम मटू ले जा इसके ले जा अब चाय हो जाए कि घोड़ बिल्कुल बढ़िया वाले घोड़ की कटक आहा क्या मजा आनंद आ जा नीजा है नीजा है फिर पीयूष एक बढ़िया सा घूंट चाय की गुड़ के साथ बढ़िया वाली मजेदार चाय है कब होगा टाइम पर चाह नहीं पी सकने तुम यार मतलब 3 बज गए यार गुड़ 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 है मेरे पेट मगर आज आज थोड़ा शाम को मंडुए की रोटी खाएंगे हम भी अभी इसको पिसवा लेना ठीक है ना ठीक है केकेल को मन मन में बता पंगा शुरू हो गया फाइट शुरू हो गई दिव्दा पहले पहुंच गए वहां पर और न जाने कुछ होगा आप देखिए दोस्तों बहुत ही टफ है घर घूर ढूंढना तो ये पहाड़ों पे होते हैं और मैं देखिए आप इसमें चढ़ रहा हूँ और ये निकलना जाए थोड़ा डर भी रहा तो दोस्तों आपको दीवार में कुछ दिख रहा है ना गोल गोल सा ये तो दोस्तों ये है ना जंगली मशरूम जिसे हम मतलब घरकुंड भी बोलते हैं क्षेत्रीय लैंग्वेज में तो इसकी ना सब्जी होती है बड़ी प्यारी सी तो मुझे लगभग यहाँ पर ना 10-15 भी दिख गए तो मैं इनको निकाल लेता हूँ थोड़ा ठीक है तो दोस्तों ये देखिए ये है घरकुंड और ये ठीक है तो दोस्तों ये है ना एक पहाड़ी सब्जी बनती है इसकी तो हम लोग ना पैदल पैदल भ्रमण कर रहे थे चार तो ना दीवालों पे अटके हुए अरे 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 घर ही गए चार है चार तो दोस्तों यार पंगा शुरू हो गया फाइट शुरू हो गई दिव्दा पहले पहुंच गए वहां पर और न जाने कुछ होगा आप देखिए घर घूर चक्कर में घर घोड़ के चक्कर में यहाँ पर मैं नहीं और से था इधर को इधर को 80 मिल गई एक ही जगह 80 घर घोड़ बताओ कम बात है क्या 80 घर घोड़ एक ही जगह 2 3 अरे भूरी बाम चार 5 6 आए उठो और देखना नहीं मत तो दोस्तों लगभग ना 80 घर गुण मिल गए इस जगह पे 80 ठीक है तो आज सब्जी बनेगी मतलब पार्टी इसी की होगी हम चिकन पार्टी तो करते नहीं है